नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता रंजन। उत्तर प्रदेश में वैसे देखा जाए तो कांग्रेस का अस्तित्व कहीं नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कांग्रेस जिस तरह की राजनीति में इस बार दिखाई दे रही है वो एक नया पर्सपेक्टिव आप कह लीजिए सेट कर रही है। उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश जहां जाति, धर्म, अगड़ा पिछड़ा तमाम इन मुद्दों पर चुनाव जीते या हारे जाते हैं, वहां पर महिलाओं की बात करना और महिला के नारे को लड़की हूं लड़ सकती हूं को लेकर जिस तरह से प्रियंका गांधी आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह उन्होंने अपनी पहली लिस्ट कैंडिडेट्स की जो जारी की है 125 सीटों पर, इस बार उन्होंने 88 ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे, तो ये सारे मुद्दे जो है ये बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी एक अलग किस्म की राजनीति कर रही हैं, या यूं भी कह लीजिए कि उन्हें आभास है कि इन मुद्दों पर, जो उन मुद्दों पर जिन पर भाजपा या सपा चुनाव लड़ रही है उन पर उनकी नैया पार नहीं हो सकती है। तो लड़की, महिला, इन मुद्दों को लेकर जिस तरह प्रियंका गांधी आगे बढ़ रही हैं, उससे ये तो जरूर है कि ये मुद्दा बहुत ही दिलचस्प है, ये मुद्दा ऐसा है जो समय की मांग है, जरूरत है, लेकिन इस मुद्दे को बहुत ज्यादा अहमियत कभी नहीं मिलती है। महिलाओं को लेकर आगे बढ़ने पर क्या चुनाव जीता जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे देखा जाए तो अब तक जो भी चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, महिलाओं की संख्या कैंडिडेट्स के रूप में बहुत ही कम रही है। ऐसे में उन प्रत्याशियों को उतारना, उन महिलाओं को टिकट देना जो कि पीड़िता रही हैं, जो किसी न किसी रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप से उन्होंने समाज के शोषण को झेला है, समाज के जो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृ सत्तात्मक सोसाइटी है, उसके खिलाफ महिलाओं की आवाज को बुलंद करने की प्रियंका गांधी की जो कोशिश है कितना कारगर होगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि एक प्रदेश, वो भी उत्तर प्रदेश या बिहार की हम बात करें, तो अक्सर देखने में आता है ये जो एक सोशल स्ट्रक्चर जो हमारा है वो ऐसा है, या पेट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें कि महिलाएं अपनी सोच तो रख सकती हैं, लेकिन वहां पर जब वोट देने की बात आती है तो कई दफा या कह लीजिए हमेशा ही पिता के कहने पर या पति के कहने पर या बेटे के कहने पर अक्सर महिलाएं वोट करती हैं। महिलाओं में भी अलग अलग आप देखिए, वैसे तो महिलाओं को मैं बांट कर नहीं देखती, लेकिन महिलाओं में भी अलग अलग कैटेगरी है जिनकी अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, जैसे ओबीसी महिलाएं। अब ओबीसी महिलाएं तो ओबीसी को अट्रैक्ट करने की अखिलेश यादव बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनमें से महिलाएं निकल कर सामने आएंगी और प्रियंका गांधी को सपोर्ट करेंगी, ये भी एक सवाल है। तो वैसे देखा जाए तो सीधा सीधा तो इस बार कहीं नजर नहीं आ रहा कि प्रियंका गांधी जो है वो किसी भी तरह से इस चुनाव को जीत सकती हैं, क्योंकि अगर वो जो भी कर रही हैं, बखूबी कर रही हैं, एक नई कोशिश है, उसके लिए उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज में ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं को आगे लाया जाए, और इस पर कांग्रेस जो है वो पहले से ही काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि ये इस चुनाव में ही हुआ है, लेकिन शायद वो दूर की सोच रही हैं, शायद उनको भी अंदाजा है कि ये चुनाव तो वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इस चुनाव का फायदा विपक्षी दलों को जरूर मिलेगा, ये भी एक सच है। आप देखिए, तो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुनावी मैदान में उतरने का जो ऐलान किया है उसमें कई ऐसे नाम हैं जो पिछले दिनों चर्चित रहे हैं। तो उसमें उन्नाव की चर्चित सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने रेप पीड़िता जो है उसकी मां को टिकट दिया है, तो वहीं लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी सीट से रितु सिंह को टिकट दिया गया है। रितु सिंह आपको याद होगा जिनके साथ बदसलूकी की गई ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान, उनकी साड़ी खींची गई जिसको चीरहरण का मामला कहा गया, और राजनेताओं की तरह आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि ना होने के बावजूद भी कांग्रेस ने जो ये चेहरे हैं, इस तरह के चेहरे हैं, इनको अपनी पार्टी का चेहरा बनाया है। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जहां बाहुबल या कहिए जो
तमाम बड़ी पार्टियां हैं वो किसी ना किसी तरह बाहुबलियों को, अपराधियों को टिकट तो दे देती है, लेकिन महिलाओं को टिकट नहीं देती। अपराधी, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो लोग हैं उनके पास धन बल हर तरह की चीजें हैं, तो उनके लिए चुनाव जीतना आसान होता है। लेकिन जब एक रेप पीड़िता की मदर, जो कि बहुत ज्यादा सामाजिक नहीं है, जो बहुत ज्यादा सामने निकलकर चुनावी रैलियों में भाग नहीं ले पाई है, जिनको राजनीति की बहुत समझ नहीं है, उन इन चेहरों के दम पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी कितना, जो दाव चल रही है, उनको कितनी सफलता देगी, ये कुछ बातें हैं जो कि सोचने लायक हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो टिकट दिया है कांग्रेस ने, वो तीन बड़े कारण जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। कांग्रेस की जीत मुश्किल है, जैसा मैं बार बार कह रही हूं, पर ये भी सच है कि ये संदेश जो आज वो दे रही हैं महिलाओं को लेकर, उनको आगे बढ़ाने को लेकर, ये समय की मांग है, ये जरूरत है। दूसरी बात है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये जो एक स्लोगन है, इसने एक इतिहास रचा है। इस ये स्लोगन उनके लिए कांग्रेस के साथ आजीवन चलने वाला है, इस चुनाव में नहीं, अगले चुनाव में, इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं तो किसी और राज्य के चुनाव में। तीसरी बात कि राष्ट्रीय स्तर पर, जो मैंने पहले कहा किसी और राज्य के चुनाव में, राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद एक मजबूती मिलेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब तक जो ये लग रहा था कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी सक्रिय नहीं हैं, लेकिन अभी जो इन लोगों ने सक्रियता दिखाई है, चाहे पंजाब में भी दिख रही है, जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी पार्टी को आगे लेके चल रहे हैं, तमाम समस्याओं को सुलझा रहे हैं, उसी तरह उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जिस तरह प्रयासरत है, साथ ही राहुल गांधी, तो ये साफ तस्वीर बन रही है कि कांग्रेस इज इन द रिवाइवल मोड, कांग्रेस दोबारा खड़े होने की स्थिति में है, चाहे उसको वक्त लग सकता है। अब अगर हम बात करें रेप पीड़िता, जिसकी मैं बात कर रही थी, उन्नाव क्षेत्र की, 2017 में गैंग रेप का मामला आपको याद होगा, कुलदीप सिंह सेंगर जिसके आरोपी थे, भाजपा से थे, पूर्व विधायक, फिलहाल जेल में है, लेकिन भाजपा ने जो रेप पीड़िता है उसकी मदर ने कहा है कि भाजपा ने जिसको पीड़ित किया और पीड़िता को के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो कांग्रेस है। देखिए, कांग्रेस किसने पे वर्क, इस पे वर्क किया है, उन्नाव का मामला हो या हाथरस का मामला हो या लखीमपुर खीरी का मामला हो, प्रियंका गांधी हर जगह गई हैं, महिलाओं को गले लगाया है, उनकी संवेदनाओं उनके साथ जुड़ी हैं, उनसे मिली हैं, उनकी समस्याओं को सुना है, जिस काम में कहीं ना कहीं भाजपा पिछड़ तो गई है। तो उसी तरह देखिए, अगर हम उन्नाव विधानसभा सीट की बात करते हैं तो पिछला जो चुनाव था उसमें पंकज गुप्ता 2017 के चुनाव में जीते थे और वो वैश्य समाज से आते हैं, और सपा से मनीषा दीपक दूसरे नंबर पर रही थी, वह उनके पति दोनों का ही अब निधन हो चुका है, अब वो नहीं है। हालांकि ये कयास लगाया जा रहा है कि उनके बेटे अभिनव कुमार को टिकट मिल सकता है, वो मल्ला समाज से आते हैं, और बसपा के देवेंद्र सिंह को टिकट मिल सकता है, या कुलदीप सिंह सेंगर के विरोधी हैं क्योंकि। अब आशा सिंह, जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया है, जो रेप पीड़िता की माँ है, वो पहली बार चुनाव लड़ेगी। जो आशा सिंह जो है, जो रेप पीड़िता की मदर है, क्या वो उतनी मजबूती से लड़ पाएंगी जिस तरह से राजनीतिक हस्तियां चुनाव लड़ती हैं, जिस तरह का बल दिखाती हैं। हर पार्टी की अगर आप बात करें तो देखें, उनका महिला विंग होता है, एक महिला मोर्चा होता है, लेकिन कैंडिडेट कभी भी महिला को नहीं बनाया जाता है, किसी विधायक मंत्री की पत्नी या रिश्तेदार को ही कैंडिडेट बनाया जाता है। तो ऐसे में इन महिलाओं को, जो कि शोषित वर्ग से आती हैं, जो पीड़ित हैं, जिनको सताया गया है, क्या इन महिलाओं पर दाव चल के कांग्रेस कुछ हासिल कर पाएगी? लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक सिंपथी, एक सहानुभूति का कार्ड चल रही है, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश मैं ये भी देना चाहूंगी कि सहानुभूति का कार्ड ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए ये जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है उनको आगे लाने का, इस पितृसत्तात्मक सोसाइटी में महिलाओं को बराबर लाके खड़ा करने का, ना कोई शोषित हो, शोषित वर्ग को ऊपर उठाने का, ये जो एक पहल है प्रियंका गांधी की, सराहनीय है, और इससे कांग्रेस को जरूर मजबूती मिलेगी, उस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जरूर
जान जो है वो भुग जाएगी, क्योंकि अब तक जो एक कह लीजिए सब सोई अवस्था में नजर आ रहे थे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, और किसी को अब भरोसा नहीं रह गया था केंद्रीय नेतृत्व पे, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि, या आप कह लीजिए कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं उन पर भरोसे की कमी नजर आ रही थी, वो सब अब हो सकता है इसके बाद ठीक हो जाए। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर लिखिए। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।